सत्तरसी संकुल में आप दरेक विद्यार्थी मित्रों आज फरी एक बार हार्दिक स्वागत है। आज आप अभ्यास करीशू धोरण आठ विषय सामाजिक विज्ञान विषयांक है आपको पाठ नंबर त्रण भारत में राष्ट्रवाद। आगळना आप चार भागों में अभ्यास करो तो आज आप भाग नंबर पांचनो अभ्यास करीशू के कया परिबड़ों ने कारण भारत में एक राष्ट्रवादनी भावना उभी थी थी। अने आजे आपणे वात करीशुं के केवा केवा नेताओ हता कि जे जहालवादी जे नेताओ कि जेणे राष्ट्रवादनी आ भूमिका देशना लोकोमां ऊभी करवा माटे खूब ज महत्वनो फाळो आव्यो। तो आजे आपणे वात करवाना छे वी लाल बाल अने पाल नी जे त्रिपुटी के जे जहालवादी त्रणेय नेताओ हता बाळ गंगाधर तिलक लाला लजपतराय अने बिपिन चंद्र पाल आ त्रणेय विषय टूंक में परिचय बब्बे मार्क में पूछाई शके तो एना विषे आपणे अभ्यास आजे करीशुं। तो बाळ गंगाधर तिलक के जे जहालवादी नेता हता एक जहालवादी नेता तरीके एमणे पोतानुं स्थान मेळव्युं हतुं। लोक जागृति माटे तेमणे शुं कर्युं हतुं के मराठी भाषा में केसरी अने अंग्रेजी भाषा में मराठा नामना वर्तमान पत्रों शुरू कर्या कि जेथी पोताना जे विचारों छे या वर्तमान पत्रों माध्यम थी देशना दरेक लोको सुधी पहोंचाड़ी शकाय अने एक लोक जागृति ऊभी थाय एना माटे आ याद रखो मराठी भाषा में केसरी अने अंग्रेजी भाषा में मराठा नामना वर्तमान पत्रों आ बाळ गंगाधर तिलके शुरू कर्या हता। आ पूछाई शके एक मग में राष्ट्रीय एकता माटे तेमणे गणेश चतुर्थी अने शिवाजी जयंती जेवा उत्सवों उजवानी शुरुआत करी हती। तेमनुं मानवुं ए ज हतुं के आवा प्रकारना उत्सवों उजववाथी देशना लोको एक थशे अने एक राष्ट्रीय एकता उभी थशे। ए समयमां खास करीने गणेश चतुर्थीनी शुरुआत बाळ गंगाधर तिलके एटले करी हती के ए समयमां अंग्रेजो देशना लोकोने एक न थवा देता न हता। तेमणे आ उत्सवों उजवाना बहाने बधा लोको एक थता अने विविध प्रकारनी आगामी केवा प्रकारनुं आंदोलन करवानुं छे तेना माटे योजना घड़ता। स्वराज्य मारो जन्मसिद्ध हक छे अने हूँ ते लईने ज जंपीश आवा प्रकारनुं एमणे हाकल करी हती कि गमे ते थाय स्वराज मारो जन्मसिद्ध हक छे अने तेमुं मेळवीने ज जंपीश एवा प्रकारनुं तेमणे हाकल करी हती। ईस्वीसन 1916 इंडियन होम रूल लीगनी स्थापना पण करी अने आपणे आगळ अभ्यास कर्यो तो तेम जाणीए छीए के जे होम रूल आंदोलन थयुं हतुं तेमां खूब ज महत्वपूर्ण भाग बाळ गंगाधर तिलके भजव्यो हतो। आ होम रूल आंदोलन दरमियान तेमणे जे पोतानुं जुस्साधार भाषण आप्युं हतुं आ सिवाय जे एमणे वर्तमान पत्रों जे शुरू कर्या हता केसरी अने मराठा आ वर्तमान पत्रों द्वारा देश में लोक जागृति ऊभी करी एक लोकमान्यता मेळवी हती अने आ समय दरमियान तेमने देशना लोकोए लोकमान्य तरीके बिरदाव्या हता अने पछीथी लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलकना नामे ओळखाणा हता। तो आ वात करी जहालवादी नेता एवा बाळ गंगाधर तिलक विशे। ए पछी आवे छे लाला लजपतराय के कांग्रेस महासभाना एक जहालवादी नेता एटले लाला लजपतराय शेरे पंजाबना नामे आ लाला लजपतराय जाणीत्या थया हता। एवा प्रकारनुं पोतानुं आम प्रतिनिधिने रजू कर्युं हतुं कि पंजाबमां शेरे पंजाब तरीके जाणीता थया हता लाला लजपतराय। लोक जागृति माटे आ लाला लजपतराये पण पोताना विचारों दरेक लोको सुधी पहोंचाड़वा माटे दी पंजाबी अने दी प्यूपिल नामना वर्तमान पत्रों लाला लजपतराये पण शुरुआत करी हती के तेथी एक प्रकारनुं कारण ज हतुं के लोको सुधी ठेक ठेक सुधी ज्यां सुधी आ न पहोंची शकता होय त्यां वर्तमान पत्रों द्वारा पोतानी माहिती पहोंचाड़े पोताना विचारों पहोंचाड़े ने लोकोमां एक प्रकारनी जागृति लावा। ईस्वीसन 1928 જ્યારે સાયમન કમિશનના જે વિરોધમાં બરાબર એક જે સભાનું સરઘસનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ સરઘસ દરમિયાન લાલા લજપતરાય પર ખૂબ જ ભયંકર એવો લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો અને ગંભીર રીતે આમાં ઘવાયા હતા અને એ સમયે એમણે કહ્યું હતું કે મારી ઉપર કરેલો લાઠીનો એક એક પ્રહાર બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના કફનની ખાય બનીને રહેશે। આ પ્રકારનું એ સમયે એમણે કીધું હતું કે જે સમય દરમિયાન આ સરઘસ દરમિયાન લાઠીચાર્જ એની ઉપર કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારે
आ लाठीचार्ज में गंभीर रीते घायल थे दवाखाना में दाखल कर पी त्यां अवसान थू। तो भारतीय आंदोलन विविध प्रकार आंदोलन थे स्वराज्य प्राप्ति माटे अपने कही सकी कि लाला लाजपत राय पोतानु जीवन दान कर दीधु एक स्वराज्य प्राप्ति माटे खूबज एवो सक्रिय भाग भजवनार कोई जहालवादी नेता था लाला लाजपत राय। ए पछी आवे छे बिपिन चंद्र पाल के बिपिन चंद्र पाल पण कांग्रेस महासभाना एक जहालवादी एवा नेता। आ बिपिन चंद्र पाल जे कारकिर्दीनी शुरुआत में जे राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाजना संपर्क में आया था एम के कारकिर्दीनी शुरुआत करी ब्रह्मो समाजना संपर्क में आया तेना विचारों लई एक सारा एवा नेता तरीके बराबर भाग भजवाना ज हता। लोक जागृति माटे बिपिन चंद्र पाले पण आ बाळ गंगाधर तिलक अने लाला लाजपत रायनी जेम ज बराबर न्यू इंडिया साप्ताहिक अने वंदे मातरम नामना अखबारों रजू करी लोको सुधी पोताना विचारों पहोंचाड्या हता। ईस्वीसन 1907 मां अंग्रेज सरकारे युवानोने हिंसक मार्गे उश्केरवानो तेमना उपर आरोप मूकी तेमने जेलमां मोकल्या एम की एक उग्र आंदोलनना लोक आंदोलनना हिमायती हता बराबर अने लोको सुधी पोतानी माहिती पहोंचाड़ता पण अंग्रेज सरकार आनाथी फफड़ी उठी अने एमना उपर सुनेन आरोप मूक्यो के देशना युवानोने ते हिंसक मार्गे उश्केरे छे पण ई खरेखर अंग्रेज सरकारनी छबी लोको सामे रजू करता अने युवाओने तेना सामे लड़वा माटे जागृत करता हता पण अंग्रेजे एना उपर उल्टो आरोप मूक्यो के युवानोने हिंसक मार्गे उश्केरे छे अने बिपिन चंद्र पाल ने 1907 मां जेलमां मोकलवामां आव्या। एवं कहवाय छे के बिपिन चंद्र पाल प्रचंड लोक आंदोलन द्वारा स्वराज मेळवाना हिमायती हता ते बीजा ई पहेलाना जे नेताओ हता ते शांतिथी बराबर बंधारणीय मार्गे बराबर आंदोलन करता अने स्वराज्य मेळवा मागता हता पण आ बिपिन चंद्र पाल प्रचंड लोक आंदोलन द्वारा स्वराज्य मेळवाना हिमायती एवा नेता एटले के बिपिन चंद्र पाल। આવી રીતના બાળ ગંગાધર તિલક લાલા લાજપત રાય અને બિપિન ચંદ્ર પાલની જે ત્રિપુટી હતી તે તેણે ત્રિપુટી જહાલવાદી નેતા તરીકે ઓળખાણા હતા અને તે પ્રચંડ આંદોલનના હિમાયતી હતા। આ ત્રણેય એવા નેતાઓએ કે જે દેશના યુવાનોમાં એક લોક જાગૃતિ બરાબર ઊભી કરી હતી કે જે રાષ્ટ્રવાદની ભાવના આપણે આગળનામાં જોયું ભાગોમાં કે જે રાષ્ટ્રવાદની ભાવના દેશના લોકોમાં ઊભી થઈ હતી તેમાં આ ત્રણેય નેતાઓનો ફાળો ખૂબ જ સક્રિય હતો એમ કહી શકાય। એ પછી જે વિવિધ પ્રકારના આંદોલનો થયા બરાબર પછી ઘણા આંદોલનો બાદ આપણને પૂર્ણ સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થઈ હતી પણ આજે ધીમે ધીમે જે આવા સતત આમાં આંદોલનો દેશમાં ચાલુ થયા આપણે આગળ રહ્યું છે કે હોમરૂલ આંદોલન તેમણે પણ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે આ બાળ ગંગાધર તિલક દ્વારા આયોજિત એણે પણ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે ખૂબ જ સક્રિય ઓભાળો ભજવ્યો હતો। તેથી આ તમામ પ્રકારના નેતાઓએ પોતાનાથી ક્ષમતા અનુસાર જે કાંઈક ને કાંઈક આંદોલનમાં આપી શકાય દેશની સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે આપી શકાય તેવા પોતાની લડત ચલાવી હતી અને આ તમામ પ્રકારના નેતાઓ દ્વારા જ બરાબર આપણને આખરે પૂર્ણ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું। તો આ પછીનો આપણે અભ્યાસ આગળના ભાગમાં કરીશું।